हॉलविंग आ रही है, क्रैश भी एक्सपेक्टेड है। मार्केट ने पिछले 3 माह के अंदर कोई भी क्रैश नहीं दिया। बिटकॉइन भी पंप कर रहा है, बीएनबी भी पंप कर रहा है, इथेरियम भी पंप कर रहा है। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, अब मैं क्या परसेप्ट कर रहा हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, और मैं किस तरह से ट्रेड करूंगा मार्केट के जो जो सिनेरियोज आएंगे। अच्छा, मार्केट जब भी ऊपर जाते हैं ना, मार्केट जब भी बुल रन के अंदर होती है, 4 साल के बाद बुल रन आता है, मार्केट यहाँ से ऐसे नहीं निकलेगी कभी भी। मार्केट ने जब भी ऊपर या नीचे जाना है, मार्केट हमेशा इंपल्सिव वेव बनाएगी इस तरह से। ये इंपल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है, इंपल्सिव वेव है, फिर करेक्टिव वेव है, फिर इंपल्सिव वेव है, फिर करेक्टिव वेव है। मार्केट स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगी, कभी भी यकमुश्त मार्केट ने ऊपर नहीं जाना, चाहे क्रैशिंग मार्केट हो, चाहे बियर की मार्केट हो। बियर की मार्केट भी ऐसे ही गिरती है। अभी तक मार्केट ने इस तरह की एक वेव क्रिएट की है, करेक्शन कोई भी क्रिएट नहीं की। अब जो हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब मार्केट ने करेक्शन इंपल्सिव वेव क्रिएट कर दी। इंपल्सिव वेव क्या होता है कि बाय की बड़ी बड़ी कैंडल्स बना देना, ठीक है। अब जो बाय की बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है आपके पास, वो बाय की कैंडल्स किस में बनी है? वीक में बनी है, डे में बनी है, मंथली में बनी है। आपकी बाय की कैंडल तकरीबन कंसिडर हो चुकी है और मार्केट ने इस तरह ऑलमोस्ट की वेव दे दी है। अब मार्केट में करेक्शन आना बहुत जरूरी है, और जैसा कि हॉलविंग से पहले एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट लाजमी क्रैश करती है। अगर मार्केट क्रैश करती है तो मार्केट 52,000 पे इस वक्त है, हो सकता है 55 से गिरे, 52 से गिरे, नीचे जब भी गिरे 32, 38, ठीक है 28, तो ये जितने भी लेवल्स आपके पड़े हैं, आपने यहां से एंट्री का सोचना। मैं फ्यूचर की भी यहां पे बताऊंगा, मैं आप लोगों को स्पॉट की स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। तो डायरी उठाएं, पेन पेंसिल उठाएं, लिख लें चीज को। जैसे ही मार्केट जब भी क्रैश करे, आने वाले इस मंथ में, नेक्स्ट मंथ में, क्रैशिंग की भी आप लोग स्ट्रेटजी लिख सकते हैं। जैसे ही मार्केट क्रैश करेगी, हमने यहां से देखना है कि इस तरह का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, इस तरह का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो H1 में, ज्यादा ना करें, H1 में या M15 में इस तरह का स्ट्रक्चर आप ले लें। जैसे ही, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने क्या बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, ये आपका यहां पे चौक हो गया। अब ये मार्केट यहां से दोबारा यहां पे एंट्री ले जाने दें ऊपर। अब स्ट्रेटजी क्या है, आपको ये भी नहीं पता चौक होगा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरी एसएमसी की वीडियोस अभी तक नहीं देखी होंगी, देख ले तो आपको पता होगा, नहीं देखे तो कोई इशू वाली बात नहीं है, रियल चौक कब होगा। अब मार्केट ने 52 से गिरने, 38 पे मिले, 42 पे मिले, 28 पे मिले, हमने जस्ट यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास है $100, कितना है $100, हम $100 का यहाँ पे लगा देंगे। इसमें से हम जो डॉलर यूज करेंगे वो मैक्सिमम करेंगे 100 में से $30, इससे ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे। कितना करेंगे? $30 यूज करेंगे, इससे ज्यादा यूज हम नहीं करेंगे। हमारी जो लिवरेज होगी वो होगी 2x लिवरेज, 2x लिवरेज के साथ हम यहां पे ट्रेड में घुसेंगे। अब अगर हम फर्ज करें घुस रहे हैं 32,000 से 2x लिवरेज के साथ, हमारा जो लिक्विडेशन पॉइंट होगा वो होगा 16,000 पे, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है कि लग जाए आपको जो लिक्विडेट अकाउंट हो जाए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आप $30 से मार्केट में जा रहे हैं, आप आइसोलेटेड में जाएं, आपके पास अभी $60 पड़े हैं, मार्केट में मजीद आते हैं, मजीद नीचे से $30 ऐड करके आप 2x की लगा दें, कोई मसला नहीं। अब आपकी जो एंट्री थी 32 पे थे, 32 से आपकी एंट्री नीचे दूसरी बनी 28 पे, या इस तरह आपकी नीचे एंट्री आ गई, एवरेज हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा तकरीबन 14,000 के लगभग। अब 14,000 पे मार्केट जाने को रही, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें ब्लैक रॉक आ चुका है, कंपनीज आ चुकी हैं। अब मार्केट जैसे ही यहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। और आप लोग अगर यही $100 आप 30-30 करके, अब ये जो स्ट्रेटेजी है ना लार्ज कैप कॉइन की है, लार्ज कैप कॉइन आपके पास कौन कौन से, बीएनबी है, इथेरियम है, बीटीसी है, जैसे क्रैश करते हैं आपने वहां से 2x की, इससे ज्यादा लिवरेज ना रखिएगा, क्योंकि हमने स्टॉप लॉस को देखना है, अपने अपने लिक्विडेशन पॉइंट को देखना है, लिक्विडेशन पॉइंट हमारा कम से कम हाफ से नीचे हो। अगर आप इथेरियम 3,000 पे, 2400 पे आता है, 2200 पे आता है, वहां से लगा रहे हैं 1600, आपका उसका लिक्विडेशन पॉइंट होगा, जो कभी भी लगने वाला नहीं है। इसी तरह बीएनबी, अगर आपका ज्यादा क्रैश, बीएनबी नहीं करेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग टोकन है, बाइनेंस एक्सचेंज का टोकन है, अगर वो 390 पे चल रहा है, हो सकता है 400 लगा के दोबारा 380 पे, 370 पे देखने को मिले, 2x की लगा दीजिएगा, 150 का आपका लिक्विडेशन पॉइंट होगा। वेरी बेस्ट सॉल्यूशन है आप लोगों का इसके लिए। उसके बाद मार्केट जैसे ही रिकवरी देती है, आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन
अभी यहाँ पे सेल शॉर्ट ना कीजिएगा, क्योंकि कोई पता नहीं बुल मार्केट में कब मार्केट ऊपर निकल जाए और आपकी औकात से बाहर चल जाए। अक्सर ये होता है मार्केट यहाँ से सेल किया और वही कॉइन पंप कर रहा होता है, इतना पंप कर जाता है कि मार्केट औकात से बाहर चल जाती है और आप लोग स्टॉप लॉस को लॉस भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, लॉस में खुद को होल्ड करके भी बैठे होते हैं और उसी लॉस को देखते देखते आप बाकी भी डिसीजन गलत कर रहे होते हैं। आप फैसले करने की सलाहियत खत्म हो जाए तकरीबन, और ट्रेडिंग में आप लोग हैवी किस्म का लॉस करके इस फील्ड को गालियां निकाल रहे होते हैं। तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप लोग क्रैश का वेट करें, मार्केट में एंट्री करें, फिर ऊपर जाने दें, प्रॉफिट बुक करें, फिर क्रैश का वेट करें, एंट्री करें। और इसके अलावा स्पॉट के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने सिंपल जाना है स्पॉट में, अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो है आप स्पॉट में इसको बाय करके रख लें, दैट्स इट। और उसके बाद मार्केट जब ऊपर जाएगी उसको सेल आउट कर दें, आप लोग फिर भी प्रॉफिट बनाएंगे। ये थी मेरी फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो थी हॉलविंग के रिकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट जो स्ट्रेटजीज है वो आप लोगों को इस चैनल पर मजीद मिलेंगे, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी भी वीडियोज काफी ज्यादा मैंने चैनल पर अपलोड कर दी और इंशाल्लाह दो नए चैनल बहुत जल्द मार्केट के अंदर लेकर आऊं, जो कि बिल्कुल सेपरेट कंटेंट होंगे, ट्रेडिंग रिलेटेड होंगे, प्योर नॉलेज बेस्ड होंगे। अगर आप उनको भी ज्वाइन करना चाहते हो बहुत जल्द आप लोगों को उनका लिंक भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हो व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर लीजिएगा, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कीजिएगा, XNX को ज्वाइन करना है या बाइनेंस को ज्वाइन करना है, तमाम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, आपको राहिल राजपूत, अल्लाह हाफिज़।